नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने दी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। मानव कल्याण, खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए की कामना। स्कूल शिक्षा शासन सचिव ने मिशन 2030 को लेकर ली बैठक। क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करते हुए हितधारकों के सुझावों को किया जाएगा विजन डॉक्यूमेंट में शामिल। प्रदेश में बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने दी 4 निजी महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों में परिवर्तित करने की मंजूरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मानव कल्याण, खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के आराध्य भगवान गणेश जी आपके रास्ते में सभी बाधाओं को दूर कर मार्ग प्रशस्त करें, आपको सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करें। उन्होंने कहा कि गणेश जी का जीवन हमें श्रेष्ठ और सृजनात्मक काम करने के लिए प्रेरणा देता है, इसलिए इस पर्व पर हमें रचनात्मक कार्यों और राज्य की जनहितैषी योजनाओं के जरिए जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि गणेश चतुर्थी का पर्व शांति, सद्भाव, भाईचारे और उल्लास के साथ मनाएं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान मिशन 2030 के तहत तैयार किए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश में भावी शैक्षिक परिदृश्य के अनुरूप अधिकारियों के अलग अलग समूहों द्वारा योजनाओं और नवाचारों के साथ ही इनके क्रियान्वयन के लिए एक्शन प्लान का समावेश किया जा रहा है। इस विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए शासन सचिव श्री नवीन जैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य शिक्षा और शैक्षिक प्रशासन, समग्र शिक्षा, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें, परीक्षा प्रबंधन, ई प्रबंधन और डिजिटल, विद्यालयों में आधारभूत ढांचा और पोषण एवं स्वास्थ्य जैसे विषयों पर गठित 9 समूहों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस दस्तावेज में प्रदेश में आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन के लक्ष्य पर फोकस करते हुए विभिन्न हितधारकों के बीच मंथन से निकले सुझावों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। शासन सचिव ने डॉक्यूमेंट के प्रारूप पर चर्चा के दौरान प्रदेश में साल 2030 तक स्कूल शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तैयार कार्य योजना और गतिविधियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया और बैठक में आए सुझावों का समावेश करते हुए अधिकारियों को अंतिम प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा के लिए 107.71 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इस राशि को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की योजना अंतर्गत खोले गए SNA खाते में हस्तांतरण करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य के 4 निजी महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों में परिवर्तित किए जाने की भी मंजूरी दी है। इन महाविद्यालयों में हनुमानगढ़ जिले के मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया और ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा शामिल हैं। इसके अलावा श्रीगंगानगर जिले के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसिंह नगर और ज्ञान ज्योति महाविद्यालय श्री करणपुर को भी राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को राज्य स्तरीय समारोह शासन सचिवालय परिसर और गांधी सर्कल जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर आयोजित किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री दिनेश कुमार ने इस आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय कर उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं बचत, राहत और बढ़त के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर राजस्थान की झलकियां। मिला जन सम्मान जी, जय राजस्थान जी, बचत, राहत और बढ़त भी हो गया ऐलान जी। होगी सबकी तरक्की, अब ना कोई कमी, गहलोत ने सबकी बांफड़ी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, बचत, राहत, बढ़त की राजुनी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, हो जी हो जी हो जी।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के 25 लाख पशुपालकों को एक एक पशु के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए 50% या 500 रुपए की सीमा तक अनुदान दिए जाने की स्वीकृति दी है। साथ ही साल 2023-24 में 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए जाने के लिए 36 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट प्रावधान की स्वीकृति भी दी गई है। राजस्थान सरकार महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन जन कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य की निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए महिला की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 55 साल तय की गई है। इस योजना के तहत बजट 2023-24 में पेंशन की राशि बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए कर दी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में, जिसने दिया बेरोजगारों को संबल, संवर रहा उनका आने वाला कल। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुरू की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान सरकार की ऐसी योजना जिसने लाखों बेरोजगारों को संबल प्रदान किया। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की उम्र के बेरोजगारों को शहर के सौंदर्यकरण, जल संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण, उद्यानिकी और नर्सरी जैसे कार्यों में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। प्रदेश में अभी तक लगभग 5.5 लाख लोगों को जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना से जुड़ने के लिए जनाधार कार्ड के माध्यम से योजना में ऑनलाइन आवेदन करें या फिर नगरीय निकाय या ई मित्र पर अपने परिवार का पंजीकरण कराएं। जब से सरकार ने ये योजना चलाई है तब से हमारे पास काम धंधा आया है। सरकार का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर में खुशहाली, जन जन का सम्मान, मॉडल स्टेट राजस्थान। कल घोषित परिणामों की पहली विजेता रही जयपुर जिले की रेखा मेहरा, जिन्हें 1 लाख रुपए की नाम राशि दी गई। उन्होंने हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भेजे। कहते हैं हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है। हिंदुस्तान को यदि सही मायनों में जानना है तो आओ किसी गांव की ओर चले और अपनी संस्कृति से हम रूबरू हो। वर्ष 2030 में अगर प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाएगी तो इसकी शुरुआत गांवों से होगी। इस राह की शुरुआत होगी उस सड़क से जो पक्की होगी और हर गांव को विकास की राह से जोड़ देगी। हर घर पहुंचे बिजली, हर घर नल। सुनहरा होगा हमारा आज, सुनहरा होगा कल। किसी ग्रामीण को न छोड़ना पड़े अपना घर, अपने गांव में ही मिले रोजगार और हो रहे गुजर। किसानी, खेती, हस्तकला, ग्रामोद्योग, लोक गायक, लोक चित्रकार को मिले संरक्षण और प्रशिक्षण। हो गांव का विकास और हर चेहरे पर खिले मुस्कान। 50,000 रुपए की इनामी राशि के साथ जालौर जिले के थाना राम रहे दूसरे स्थान पर। उन्होंने कृषि खेती बढ़ाने के लिए अपने सुझाव भेजे। राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत मेरे सुझाव हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। राजस्थान में आज भी अधिकतर किसान परंपरागत खेती करते हैं, जिससे क्षेत्रफल की तुलना में उत्पादन कम होता है। उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मेरे सुझाव हैं, जिसमें नंबर एक, किसानों के परंपरागत खेती के स्थान पर आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने। 25,000 रुपए की इनाम राशि के साथ भरतपुर जिले के जयराज कुंतल रहे तीसरे स्थान पर। उन्होंने वोटर हार्वेस्टिंग के लिए नई तकनीक अपनाने को लेकर वीडियो बनाकर शेयर किया था। राजस्थान में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी राजस्थान के कई गांव और शहर ऐसे हैं जहां भूमिगत जल या तो खारा है या बहुत गहराई पर है। लगातार भूमिगत जल के दोहन के कारण जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। राजस्थान सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनके चलते प्रदेश की जनता को गांव-गांव पीने का पानी तो मिला, लेकिन भूमिगत पानी को रिचार्ज करना अभी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए वाटर रिचार्ज प्लांट एक बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है। इसका उदाहरण राजस्थान के सीकर और आबू रोड में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां इस सिस्टम की मदद से हर साल बारिश का लाखों लीटर पानी बचाया जा रहा है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
Thank you.